यस बच्चे, सो यस क्लास 10, वी जस्ट डिड सेक्शन फार्मूला, हमने अभी अभी सेक्शन फार्मूला किया है. बिफोर स्टार्टिंग अप द एग्जांपल्स, आई वांटेड कि हम थोड़े से इसके ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो चीजें बहुत होती बहुत छोटी हैं बट काम बहुत आती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेक्शन फार्मूला में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो M1 और M2 था, दैट वॉज एक्चुअली द रेशियो इन विच अ पॉइंट वॉज डिवाइडिंग अ सेगमेंट, राइट. अब देखिए, अगर मुझे ये बोला गया कि वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट है, राइट, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये वर्ड मेंशन होता है, सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, राइट, और ये पॉइंट है पी, तो ये पॉइंट अगर सपोज बोला जाता है कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या ये बोला जाता है कि इन इक्वल रेशियोज, दो वर्ड्स हैं समझ आए, या डिवाइड्स इक्वली, थर्ड वर्ड, ठीक है, फ्रेज हो गया तो एक तरह से, ठीक है, मिड पॉइंट डिवाइडिंग इक्वली और इन द सेम रेशियो, तो उसका उस केस में हमें हमेशा M1 और M2 जो है वो 1:1 आ जाता है. तो उस केस में अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो कुछ भी मत करना, वो ये सीधा हो जाएगा X1 प्लस X2 ओवर 2, एवरेज आ जाएगा उसका. इसी तरह से Y1 प्लस Y2 ओवर 2, तो वो एवरेज पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज हमारा अगर आप किसी भी नंबर को 1 से प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर आपको सेम नंबर मिलेगा, राइट. अगर आप जैसे अगर मेरा M1 1 है और आप उसको X2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको X2 ही मिलेगा, और 1 प्लस 1 हमेशा 2 होता है, तो इसीलिए जो वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दो पॉइंट्स के एवरेज आ जाएंगे. क्लियर होगी बात, ये पॉइंट मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. यस, अब आती है बारी, सपोज करो हमें कोई रेशियो गिवन ही नहीं है, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट वी डू, वी ऑलवेज टेक द रेशियो एज K is to 1, ठीक है, हम इसको K is to 1 ले लेते हैं, और फिर उससे हमें क्या हो जाता है कि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता है. सपोज करो एक आपको कुछ भी नंबर दिया गया है, हम यहाँ मान लेते हैं 2, 3 मान लेते हैं, इसको भी हम -1, 5 मान लेते हैं, राइट, और इसे हम मान लेते हैं 3, 6, राइट. इस तरह से पॉइंट्स हैं. आपको अगर रेशियो फाइंड आउट करनी है, अगर हम दोनों रेशियोज को वेरिएबल ले लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्लियर. तो हम क्या करते हैं, हम उसको M1 को K मान लेते हैं, राइट, सॉरी, और M2 को हमने 1 मान लेते हैं, सो दैट जब आप उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता है. सपोज K की वैल्यू आ गई 2/7, तो ये 7 जो है ये इधर चला जाएगा एंड द रेशियो विल बिकम 2:7. इजी, यस. अब सेकेंड, एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, उसको जरा ध्यान से सुनना क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा है, तो इसके लिए हम कलर भी रेड ले लेते हैं ताकि वो आपको याद रहे, जब मैं नोट्स आपको भेज दूंगी तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल. थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज द ट्राई पार्टीशन, राइट, ट्राई पार्टीशन. अब देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में आता है और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी करता है. देखो, सपोज एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए और बी, यू हैव टू पॉइंट्स इन बिटवीन, हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं और वो दो पॉइंट्स आपको इस लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. इस केस में वो जो तीन हिस्से होंगे दैट विल बी इक्वल, राइट, सो दैट मीन्स AP जो है दैट इज इक्वल टू PQ, इट इज इक्वल टू QB. तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हम कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं, इसको हम भूल गए, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2, समझे. अगर मैं पी पॉइंट के हिसाब से कर रही हूं तो रेशियो बन जाएगा 1:2. अगर मैं कुछ देर के लिए पी को भूल गई तो रेशियो बन जाएगा 2:1. इज दैट क्लियर, क्योंकि वो इक्वल हिस्से में था तो हम इस सेगमेंट को क्या करेंगे, एड अप कर देंगे, 1 + 1 वो 2 बन जाता है. क्लियर है बात. सो आई थिंक ये आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो समझ में आ गए हैं, एंड आई नो कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करोगे. So you are very much clear about the formula, about some important points. So I think we should get started with examples. See you.